दोस्तों, आज हम आप लोगों को इन पहाड़ियों के जंगलों में एक बहुत ही महाऔषधि के वृक्ष से परिचित कराने वाले हैं और इसके बहुत सारे अद्भुत रहस्य जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटी दबा लें ताकि और भी इसी तरह की जंगली वनस्पतियों की इंटरेस्टिंग जानकारी आपसे कभी मिस ना हो और आप हमारे वीडियो देखते रहें और अच्छी अच्छी जानकारियों से फ़ायदा लेते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इन पहाड़ों के जंगलों में बताते हैं एक ऐसा पेड़ जिसके बहुत सारे रहस्य गुणधर्म छुपे हुए हैं, जिसे हर किसी को जानना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति इन पौधों के गुणधर्म को जानबूझ करके ना जाने, इग्नोर मारे, नज़रअंदाज करे, उससे बड़ा अज्ञानी दुनिया में नहीं हो सकता। आज इस वीडियो के द्वारा बहुत ही अनमोल जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इस पौधे को जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए, इस पौधे को अच्छे से पहचानिए। यह पौधा हर श्रृंगार का पौधा है, परिजात का पौधा है और इसे ही नाइट जैस्मिन कहा जाता है। तो आप इसे देखिए, अच्छे से पहचानिए। देखिए दोस्तों, यह वही हर श्रृंगार है, वही परिजात है जिस पौधे को भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग से इंद्रदेव से युद्ध करके झगड़ा करके पृथ्वी पर लाए थे। मतलब यह स्वर्ग का पौधा है, धरती का पौधा नहीं था पहले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बदौलत आज यह धरती पे मौजूद है। धरतीवासियों के लिए यह जीवनदायिनी हो चुका है। तो आप लोग इस पौधे को अवश्य देखिए और पहचानिए, श्री कृष्ण को नमन कीजिए और इस पौधे का अनुसरण कीजिए और इसके गुणधर्म को लाभ उठाइए। तो दोस्तों इस पौधे को आप लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, पहचान लीजिए। अच्छे से इसका पहचान कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यह पहाड़ों के ऊपर मैं हूँ अभी, पहाड़ों के जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनको मैं दिखा रहा हूँ और यह पहाड़ों में भी पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है और इसे घरों में भी लोग लगाते हैं, क्योंकि यह हर श्रृंगार का पेड़ पौधा बहुत ही पवित्र होता है। इसके फूलों को देवी देवताओं में चढ़ाया जाता है जिससे देवी देवताएँ बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह बहुत जल्द पूर्ण कर देती हैं, अगर आप इसके फूलों को देवी देवताओं में चढ़ाते हो तो। लेकिन इसके फूल रात में ही खिलते हैं, दिन में सुबह झड़ जाते हैं। यह बहुत ही पवित्र फूल है दोस्तों। इसके फूलों की पवित्रता की गुणगान मैं कहाँ तक करूँ, यह पूरे पौधा ही स्वर्ग का पौधा है। तो आप समझ लीजिए यह कितना पवित्र है, कितना औषधीय गुणों से संपन्न है। इसके बारे में ना जाने कितनी कहानियाँ जुड़ी हुई है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है, आप हिंदू ग्रंथ में जा कर के देख सकते हो। हर श्रृंगार की हर एक कहानी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यह बहुत ही धार्मिक और पवित्र वृक्ष है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को इसी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए इसके बहुत ही पवित्र गुणधर्म बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही अचूक फायदेमंद होगा। इसके जो फूल होते हैं वह फूल बहुत ही महाऔषधि का कार्य करता है। अगर आप इसके फूलों को चाय की भांति इसका चाय बनाते हो, मतलब आप इसके फूलों को कुचल करके चटनी बना लेते हो और चटनी बनाने के बाद उसमें पानी डाल करके चाय बना करके पीते हो, चाय बना करके मतलब कि इसमें किसी और दूसरे प्रकार के अन्य पदार्थ नहीं डालना है आपको, सिर्फ इसके फूलों को पानी में घोल करके उसमें अगर आवश्यकता अनुसार थोड़ी सी मिश्री मिला करके उसको गर्म करके यदि आप पीते हो तो इससे आपके सेहत में बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। यह हर्बल टी आपके लिए बन जाएगा। सिर्फ इसका अकेला फूल एक ऐसा औषधि है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को नई ऊर्जा प्रदान करता है, नई जोश प्रदान करता है। दिल, दिमाग, हृदय, गुर्दा, धड़कन, लीवर सभी को मजबूत बनाता है। सिर्फ इसके फूलों का चाय पीने से आपको शरीर में एक नई बल की अनुभूति होती है। इसके फूल के चाय पीने से एक अलग ही आनंद का अनुभूति होती है। इसके फूलों में एक अच्छी खुशबू आती है जो मन को आनंदित कर देती है। अगर आप इसके चाय भी बना कर के पीते हो तो आपका मन मोह लेगा और यह आपके लिए पसंदीदा चाय होगा। कोई भी यदि आपके घर में मेहमान आता है, अगर आप उसको इस हर श्रृंगार के फूलों की चाय बना कर के देते हो
तो वह आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। इतना स्वादिष्ट होता है इसका चाय, तो आप एक बार इसके चाय बना कर के इसके औषधीय गुणों का भी फ़ायदा लीजिए और खुश रहिए दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके पत्तों के फ़ायदे आप लोगों को बताते हैं। तो इसके पत्ते बहुत ही कमाल की औषधि है और बहुत ही पवित्र औषधि है। इसके सिर्फ 4 से 5 पत्ते अगर आप कुचल करके चटनी बना करके उसे पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने के बाद उसे काढ़ा बना करके उतार करके छान करके पीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, शरीर को एक नई ऊर्जा और नई ताकत जोश बढ़ाने के लिए। इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, और इसे कौन कौन इसका काढ़ा का सेवन कर सकता है उसे भी बता दे रहा हूँ। इसके यदि आप 4-5 पत्तियों को रोज़ाना काढ़ा बना करके पीते हो तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे। तो सबसे पहले आपको काढ़ा कैसे बनाना है उसे जान लीजिए। इसके 4-5 पत्तियों को आप चटनी की भांति कुचल लीजिए सिलबट्टे में या फिर ओखली में। उसके बाद उस लुगदी को, उस पेस्ट को 1 गिलास पानी में घोल लीजिए शाम को यानी रात को। अब रात को घोलने के बाद सुबह तक उस गिलास के पानी में ऐसे ही घुले रहने दीजिए। उसके बाद जब सुबह हो जाए तो सुबह उसको मिट्टी के बर्तन में, सिर्फ मिट्टी के बर्तन में उसे काढ़ा बनाइए। यानी मिट्टी के बर्तन में आग जलाइए, चूल्हे में डाल करके, गैस में, किसी भी आग में उसको मिट्टी के बर्तन में रख करके उसे काढ़ा बनाइए। और जब 1 गिलास पानी जब डाले रहोगे उसमें, वह उसका 25% बच जाए, यानी जब 1/4 रह जाए, 1/4 रह जाए, तब उसको उतार करके छान करके या फिर बिना छाने ऐसे ही आप पीजिए। इससे आपको शरीर में इतनी ज़्यादा ताकत आएगी और इतनी ज़्यादा शरीर में एनर्जी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके जितने भी शरीर के दर्द हैं, जोड़ जोड़ के दर्द हैं, गांठ गांठ के दर्द हैं, जिनका कमर झुक गया है, जिनको अर्थराइटिस है, गठिया है, जितने भी प्रकार के दर्द हैं, वह सभी रोग बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। आयुर्वेद में तो कहा गया है कि 40 साल पुराना जो गठिया साइटिका का दर्द होता है वह भी इसके 4-5 पत्तियों के रोज़ाना सेवन करने से ठीक हो जाता है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि 4-5 पत्तियां रोज़ाना इसका काढ़ा बना करके सेवन करने से 40-50 साल पुराना रोग यदि ठीक हो जाता है, तो आप स्वस्थ व्यक्ति यदि 1-2 पत्ते का चटनी का काढ़ा बना करके प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में पीते हो तो आपके शरीर में कितनी सुधार आएगी और कितना सेहत आपका बनेगा। अगर आप इस तरह के काढ़ा बना करके पीते हो तो इससे आपके जो अस्थमा के रोग होते हैं वह भी ठीक होते हैं, मधुमेह के रोग होते हैं वह भी ठीक होते हैं, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम रहती है वह भी ठीक होती है, और जो खांसी दमा रहता है वह भी ठीक होता है। इससे बहुत सारे रोग ठीक होते हैं। और इसका एक और मैं चमत्कारी लाभ बता रहा हूँ जिसे आप तुरंत फ़ायदे ले सकते हो। इसके जो पत्ते देख रहे हो हरे हरे हर सिंगार का, इस पत्ते को कुचल करके चटनी बना करके पेस्ट बना करके सिर्फ आपके जख्म में यदि आप लगाते हो तुरंत, तो आपको तुरंत फायदा होगा। किसी भी प्रकार की और तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पत्ते को कुचल डालो और उसको पीस करके अच्छे से पेस्ट तैयार करो और इस स्वर्ग के लेप को आप अपने शरीर के किसी भी प्रकार के जख्म पे लेप कीजिए। आपके दर्द भी गायब हो जाएगा और आपको पूरी तरह से उस जख्म से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से इस पत्ते का आप लेप करके किसी भी प्रकार के जख्म को या फिर सूजन को, दर्द को आसानी से मिटाना चाहते हो तो तुरंत इसके पत्तों को लेप कीजिए और फ़ायदा देखिए, चमत्कार की तरह आपको लगेगा। इसको मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, जब भी मैं इसके बारे में जानता था और इसके बारे में पढ़ता था या फिर कहीं से भी सुनता था तो मैं इसको तुरंत प्रयोग करके देखता था। जैसे तुरंत जब प्रयोग मैंने आपको बताया ना कि जख्म में, दर्द में, सूजन में इसके पत्ते लगाओगे तो तुरंत गायब हो जाता है दर्द, उसी टाइप के आप इसके पत्ते को भी लगाओगे तो तुरंत गायब हो जाता है। तो मैं भी इसको करके एक बार नहीं अनेकों बार देखा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला और तुरंत बहुत जल्द फ़ायदा हुआ। इसलिए मैं आप लोग कहता हूँ कि यह परिजात बिल्कुल पवित्र पौधा है, बिल्कुल बेझिझक इसका इस्तेमाल कीजिए और खुश रहिए दोस्तों। यह स्वर्ग का पौधा है, हमारे धरतीवासियों के लिए अमृत समान है
आप लोग भी इसके फायदे उठाइए और अपने दोस्तों को भी फायदे उठाने के लिए जरूर बोलिए, क्योंकि यह एक अकेला ऐसा पौधा है जो स्वर्ग से आया है और मनुष्य जातियों का कल्याण करने के लिए आया है। आप बिल्कुल इसका भरपूर आनंद लीजिए। और ऐसा नहीं है कि यह जंगलों में पाया जाता है, यह हर एक क्षेत्र के जंगलों में पाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग इस पौधे को खीरसाली के पौधे के नाम से जानते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में यदि आप जानते होंगे कि खीरसाली का पौधा को पहचानते होंगे, तो आप पहचान लीजिए यह पारिजात का पौधा है और यही स्वर्ग का पौधा है, यही हर श्रृंगार का पौधा है, यही नाइट जैस्मिन का पौधा है। आप पहचान के रखिए ये छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली जो आम भाषा में जो खीरसाली का पौधा होता है, जिसकी झाड़ियाँ होती है और पेड़ भी होते उसी हैं, उसी को हर श्रृंगार या पारिजात कहा जाता है। आप लोग इसके भरपूर आनंद लीजिए और भरपूर फायदे उठाइए। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से इसकी लगभग सभी जानकारियों को उजागर कर दिया, बता दिया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे चैनल में यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए, ताकि आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप हमारे साथ जुड़ करके फ़ायदा लेते रहें, जीवन में खुशियां बटोरते रहें। तो नमस्कार दोस्तों।